हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो बुफे है टूरिज्म के लिए। जी हाँ, यहाँ आपको खूबसूरती, इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, समुद्री जीव जंतु, पशु पक्षी सब कुछ मिलेंगे। ये वो देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले सनस्क्रीन पर बैन लगाया। ये वो देश है दोस्तों जहाँ पर आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये वो देश है जहाँ की महिलाएं आज भी पारंपरिक रूप से टॉपलेस रहती हैं। ये उनकी परंपरा थी जिसे वो आज भी फॉलो करती हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेहद ही खास देश के सफर की, जिसका नाम है पलाऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पलाऊ की मनमोहक सुंदरता लोगों को यहीं पर ठहर जाने के लिए मजबूर करती है। पलाऊ को बेलाऊ गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 200 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से केवल 8 पर ही लोग रहते हैं। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। पलाऊ को अक्टूबर 1994 में आजादी मिली और उसी वर्ष दिसंबर में इसे संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया। पलाऊ में लगभग 21,000 लोग रहते हैं और उनमें से लगभग 70% पलाऊवासी कोरोर द्वीप पर रहते हैं। पलाऊ की वर्तमान राजधानी नगेरुलमुद है। जी हाँ, नगेरुलमुद, जो बेहद ही खूबसूरत है। हालांकि दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 489 वर्ग किलोमीटर ही है और बहुत ज्यादा भीड़भाड़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। पलाऊ की विपुल अछूती चट्टाने, मूंगा संरचनाएं और समुद्री जीवन की समृद्ध संपदा आपको यही नजर आएगी। विशाल गुफाएं, ब्लू होल और विदेशी और दुर्लभ समुद्री प्रजातियों की एक विशाल विविधता क्रिस्टल साफ पानी में आसानी से आप देख सकते हैं। पलाऊ अपनी समुद्री सुंदरता के लिए जाना जाता है। कोरल रीफ से घिरे इसके द्वीप विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश ने अपने देश में सनस्क्रीन पर रोक लगा दी है, यानी कि बैन लगा दिया है। सनस्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन समुद्री जीवों के लिए काफी खतरनाक होते हैं, कह सकते हैं कि पॉइजन होते हैं। पाबंदी लागू करते हुए पलाऊ के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने वातावरण को बचाना है। वन्य जीवों पर खतरनाक असर को देखते हुए अमेरिका के वर्जिन आइलैंड और हवाई प्रांत ने भी सनस्क्रीन पर पाबंदी लगा दी है, जो कि एक बेहतरीन पहल है। दोस्तों, पलाऊ में कोई भी सार्वजनिक परिवहन नहीं है, यानी नो ट्रांसपोर्ट। पर्यटकों को मोटरसाइकिल या फिर एक कार किराए पर लेकर टैक्सी से यहाँ यात्रा करनी होती है। पलाऊ की महिलाएं अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बहुत मानती हैं। इसी के साथ यहाँ की कुछ महिलाएं आज भी अपनी परंपराओं को फॉलो कर रही हैं। अतीत में टॉपलेस ये महिलाएं रहती थी। वो पोशाक के रूप में केवल 2 टुकड़ों वाली स्कर्ट और कुछ मालाओं का उपयोग करती थी। आज कुछ स्थानीय महिलाएं अभी भी अपनी पारंपरिक पोशाक को जारी रखे हुए हैं। हालांकि आधुनिक कपड़ों की अधिक ढकी हुई और रूढ़िवादी शैलियों ने उनकी संस्कृति में अपना रास्ता बना लिया है। हालांकि आधुनिकता ने अपनी जगह बना ली है। यहाँ की महिलाएं अधिकतम आज के समय को फॉलो करती हैं, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं को फॉलो करती हैं और टॉपलेस रहते हुए कुछ मालाओं को धारण करती हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या में समुद्री शिकारी, कछुए, डॉल्फिन, शार्क और प्रवासी मछलियों का ये घर है। फ्लोटिंग गार्डन आइलैंड्स, जिन्हें द रॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, चूने के पत्थरों से बने हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पलाऊ के पास अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं है दोस्तों। पलाऊ और अमेरिका के बीच फ्री एसोसिएशन के एक समझौते के तहत इसकी रक्षा के लिए अमेरिका ने जिम्मेदारी ली है। 1855 में स्पेन ने कैरोलिन द्वीप समूह पर दावा किया। कोरोन के तट पर रॉक द्वीप समूह में लगभग 70 समुद्री झीलें हैं। इनमें से एक मास्टी गियास जेलीफिश झील भी है, जिसे जेलीफिश झील कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारी जेलीफिश नजर आ जाएंगी। आपको पता है, ये जेलीफिश बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आप इनके साथ तैर सकते हैं। दोस्तों, ये देश छोटा जरूर है, लेकिन इस देश ने चीन जैसे विशाल ताकतवर देश को आंखें दिखाई हैं। दोस्तों, कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर चीन और पलाऊ की आपस में कुछ ठन गई थी। जी हाँ, और चीन ने पलाऊ को कुछ ऐसा करने को कहा जिस पर पलाऊ बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, और पलाऊ ने उसे 2 टूक जवाब दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पलाऊ टोटली टूरिज्म पर डिपेंड है, और इस टूरिज्म के चलते ही वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है, और चीन इस बात को जानता था। इसलिए चीन ने अपने देश से कहा कि पलाऊ घूमने के लिए कोई नहीं जाएगा। जी हाँ, यहाँ तक कि टूर ऑपरेटर से साफ कह दिया गया कि पलाऊ के लिए कोई भी टूर पैकेज जारी नहीं किया जाएगा।
अगर कोई ऐसा करता है तो फाइन लगेगा, जिसकी वजह से चीन से पलाऊ आने वाले लोगों पर रोक लग गई। स्थानीय लोग इसे चीन का बैन कहते हैं। इतना ही नहीं, एक समय तो ऐसा भी था जब चीन पर पलाऊ गूगल ही नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, इतने के बावजूद भी पलाऊ बिल्कुल नहीं झुका। पलाऊ में अभी भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, इसकी प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए। तो कहाँ कहाँ जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये देश जेलीफिश के लिए जाना जाता है और यहाँ पे जेलीफिश झील भी है, जहाँ पर आप बहुत सारी जेलीफिश देख सकते हैं। इसे आप इल मल्क झील भी कह सकते हैं। पलाऊ में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है ये, और लाखों गोल्डन जेलीफिश यहाँ खूबसूरती से तैरती नजर आती है। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है दोस्तों। सुनहरी जेलफिश डंकहीन होती हैं, यानी इसमें डंक नहीं होता। आप आराम से इनके साथ टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, इन्हें हाथ में ले सकते हैं, इनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और बहुत ही सॉफ्ट। इनको छूना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है और ये आपको कोई भी हार्म नहीं पहुँचाती। अद्भुत झील है, स्नॉर्कलिंग के लिए, जादुई अनुभवों के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। दोस्तों, ये है पिलिलुई द्वीप। ये द्वीप सभ्यता इतिहास के लिए जाना जाता है। भूली बिसरी सभी जगहों को, सभी यादों को ये अपने में समेटे है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यादें और जो भयानक यादें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। प्रशांत महासागर में इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण अमेरिकियों ने इसे हवाई पट्टी के रूप में यूज किया था, जिसके सबूत आपको यहाँ पर मिलेंगे। द्वीप पर कब्जा किया गया, यहाँ लड़ाई हुई और बहुत हानि भी हुई। 6 सप्ताह के अंतराल में इस छोटी सी जगह में करीब 14,000 अमेरिकी और जापानी सैनिक मारे गए थे, जहां पर आपको हर एक सबूत मिलेगा। द्वीप पलाऊ में एक प्रसिद्ध गोताखोरी स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कोरोर से सबसे दूर गोता लगाने वाली जगहों में, यानी एक बेहतरीन एक्टिविटी सेंटर के रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये है एटपिसन संग्रहालय। एटपिसन संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जो आपको इस देश की संस्कृति से रूबरू कराएगा। ये पलाऊ की समृद्ध परंपराओं और इतिहास को अपने में समेटे है। यहाँ पर आपको नक्काशी, कलाकृतियाँ, विरासत, प्राचीन रॉक कला और स्टोरी बोर्ड को देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ शॉप्स भी मिलेंगी, जहाँ से आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास ले सकते हैं। तो डोंट मिस इट। दोस्तों, ये है कांगेल द्वीप, सबसे खूबसूरत और पलाऊ के उत्तर में स्थित। ये खूबसूरत सफेद समुद्र तट है। ये निर्जन द्वीप के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको चंद लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि ये निर्जन द्वीपों में से एक है। यहाँ पर आने के लिए आपको संडे चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज का मौका मिलता है। दोस्तों, ये है मिल्की वे लैगून। पलाऊ में आकाश गंगा देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, मजेदार एक्टिविटीज के लिए भी ये द्वीप समूह जाना जाता है। रॉक द्वीप समूह में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। गोताखोरी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप स्नॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी। लैंगून में भव्य फिरोजा पानी के अलावा आपको मलाईदार सफेद मिट्टी भी मिलेगी। कहा जाता है कि आप इसको एक स्पा के रूप में यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी पर यूज करिए, बेहतरीन ट्रीटमेंट है ये। दोस्तों, ये है रॉक द्वीप समूह। पलाऊ या चिल्चेबाग का रॉक द्वीप, ये एक यूनेस्को विरासत स्थल है, जो अपने छोटे और बड़े चूना पत्थर द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। द्वीपों ने पलाऊ के दक्षिण लैंगून की रचना की और ये कोरोर और पेलेलुई के बीच में है। 300 द्वीपों में पलाऊ के अधिकांश पर्यटन स्थल भी शामिल है। रॉक द्वीप अपने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है और ये शानदार समुद्री जीवन के लिए पहचान रखता है। आई होप दोस्तों, आपको पलाऊ अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।